तारिकन साहब के अपने इत्तेहादी वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही से शिकायत पैदा हो चुकी हैं और आप इस हवाले से क्या कहेंगे? जमाल अहमद साहब, लाहौर से जमाल अहमद साहब का सवाल है, ये जहन में रखें, ये रूटीन मैटर है। हमारे पंजाबी में आएंगे जो भांडे इकट्ठे हों ना, वो खड़कते भी हैं, तो इस तरह के ख़ास तौर पे अरेंजमेंट्स में ये नॉर्मल बात है। ऊंच नीच घर में नहीं होता, स्मूथ सेलिंग, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन फलाना, ये तो गवर्नमेंट और गवर्नेंस भी किस मुल्क की जिसमें गवर्नेंस अब मुमकिन नहीं रह गई। सो ये नॉर्मल बात है, इसमें कोई खबर नहीं। आपने भी यही कहा ना कि सुना है, तो मैंने तो नहीं सुना, लेकिन एक बात बिल्कुल फितरी है कि ये इस तरह के इस लेवल पे स्मूथ सेलिंग 100% नहीं होती। ये बड़े अजीब गरीब तरह के मामला, उसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बंदों पे, पोस्टिंग पे, फलाना पे, काम पे हो सकता है, लेकिन एक बात है बिल्कुल कि परफॉर्मेंस की जहाँ तक बात है तो चौधरी परवेज़ इलाही का बतौर वज़ीर आला गुज़श्ता दौर इस बात का सबूत भी है, गवाह भी है कि वो गवर्नेंस के आर्ट और साइंस, चूँकि गवर्नेंस आर्ट भी है और साइंस भी, वो इन दोनों से बखूबी आगाह है। मेरा नहीं ख्याल कि शहबाज शरीफ को बहुत क्रेडिट जाता है इसमें, उन्होंने भी अच्छे काम किए हैं, लेकिन उनकी पुश्त बनाई बड़ी ज़बरदस्त थी। बड़ा भाई उधर अंदर है तो वो फिर जो मर्जी करो, तो परवेज़ इलाही जैसे 5 साल पंजाब के सूबे में कम अज़ कम मेरी होश पे। हाँ, एक ज़माना था जब अमीर मोहम्मद ख़ान थे, उस ज़माने में बस्ता बे की बदमाशों को बड़ा चर्चा था, उन्होंने ऐसा सफाया किया जिसका हिसाब को नहीं, लेकिन गवर्नेंस के एतबार से पंजाब की जो नस्बता जो ताज़ा तारीख है, मेरा नहीं ख्याल कि परवेज़ इलाही साहब जैसा डिलीवर करने वाला। और खामोशी से अनज्यूमिंग आदमी है वो डैश ड्रामा ये वो वगैरह उसमें बिलीव नहीं करते, सादा आदमी, लेकिन वो काम करने में बिलीव करते हैं और विजडम है उनके पास, रस्टिक विजडम जिसे कहते हैं, धरती की दानिश। खबर क्या है? काले रंग के शलवार कमीज और सर पे दुपट्टा लिए नामवर हॉलीवुड अदाकारा एंजेलिना जूली सैलाब सदगान की मदद के लिए पाकिस्तान पहुँच गई। ये वही एंजेलिना जूली हैं जिन्होंने 2010 में भी पाकिस्तान आकर सैलाब जदगान की इमदाद के लिए खतीर रकम पाकिस्तानी हुकाम के हवाले की थी, और शायद ये वही हैं जिनका नहीं, वो टर्किश प्राइम मिनिस्टर की बेगम थी जिनका हार हमदानी साहब गद्दी नशीन साहब और वगैरह वगैरह को इस तरह के लोग ले उड़े थे। इस खबर पे तो किसी तबसरे की ज़रूरत नहीं है, यानी मुल्क के कमानत है जो जिन हुक्मरानों के पास हैं उनसे करोड़ों गुना बेहतर इंसान वेस्ट की एक्ट्रेसेस हैं। इसका मैं सादा तर्जुमा करूंगा, ये पैमरा शैमरा जो है ना, इनके हवास गुम हो जाए। इसीलिए हम रांदाए दरगाह हैं, इसीलिए हम उन मुल्कों के कदमों की धूल भी नहीं रहे, इसीलिए हमारे वजीर आजमों को ये कहना पड़ता है कि आयम अपने नाकों से लकीरें निकलवाई। इट इज़ एज सिंपल, यानी इन सब के ज़मीरों पे एक अजनबी खातून, ना हमारा मज़हब मिलता है, ना मुल्क मिलता है, ना उसकी सिविलाइजेशन हमारे साथ, ना उसकी तहजीब, ना उठना बहनाना। अब उसकी फिल्म देख के, उसकी फिल्म देख के एंजेलिना जूली की फिल्म देख के कोई ये कहेगा? कोई बेशर्म बेहया, ये तो जी बेहयाई कर रही है, इसने क्या पहना हुआ है? हमारा जिंदगी में पहना हुआ ही सारा कुछ है, बनाया हुआ, खाया हुआ, ये क्या? एंजेलिना जूली, मैंने इनकी ज़्यादा तो नहीं लेकिन चंद मूवीज़ देखी,
उनका एक अपना कल्चर है, उनकी एक अपनी दुनिया है, उनका एक अपना पहनावा है। हमारे किसी मायार पे ये खातून पूरा उतरती, लेकिन इंसान बहुत खूबसूरत और आला। हैट्स ऑफ टू एंजेलिना जूली। और लानत उन जोकरों पे जो बातें बहुत करते हैं लेकिन जिन्होंने इस मुल्क को कंगाल कर दिया।